वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सोल फूड। और आज हम पता है कहाँ हैं, जब तक बुलावा नहीं आता यहाँ पर कोई जाता नहीं है, तो हमें इतने सालों के बाद मिल गया बुलावा, तो हम चल रहे हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, तो हम भी आपको साथ में लेके चल रहे हैं, तो हमारे साथ चलो और वैष्णो देवी के दर्शन करो। अभी हम खड़े हैं वैष्णो देवी, श्री माँ वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर, और जय माता दी करते जा रहे हैं आगे। चलो चलो ये हमारे साथ है। हाय, जय माता दी। जय माता दी। पीयू पहली बार आई है ना? हम पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो। सो या, सो दिस इज़ आर क्यूट लिटिल होटल एज यू कैन सी। ये सिर्फ जो कटरा स्टेशन है उससे सिर्फ 2 मिनट्स का वॉकिंग पे है, एंड इट्स अ नाइस स्मॉल डिसेंट होटल। जस्ट चेक इन एंड मैं आपको दिखाती हूँ रूम कैसे। हमारे साथ बने रहिए। जय माता दी। तो आ गए हमने स्मॉल डिसेंट से होटल में, तो लेट्स गो और देखते हैं इसका रूम कैसे। This is the corridor and bathroom. चार लोगों के लिए हमने बुक किया, तो दो हमें बेड मिल गए, डबल बेड, एंड विच इज नाइस। एंड वी हैव दिस एसी विच इज वर्किंग वेरी वेरी गुड, सो वी आर हैप्पी, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत लग रही है और एसी सही है। एंड बेड इज ऑल्सो नाइस, और आपका एक छोटा मोटा सोफा मिल जाता है अपने बैग्स वगैरह रखने के लिए, तो हम बैग उठा के रखते हैं। और ये हो गई हमारी ड्रेसिंग यूनिट, ये हो गई मेरी ड्रेसिंग यूनिट, और ये रहा शीशा। सो दिस इज अ स्मॉल डिसेंट सा होटल, कोई ऐसे स्टार वाला होटल नहीं है, बट यार दिस इज नाइस एंड कोजी एंड विच इज वेरी वेरी नियर टू कटरा रेलवे स्टेशन, जस्ट 2 मिनट्स वॉक। सो दैट्स ऑल अबाउट अ रूम कवर। तो हम जल्दी से रेडी होते हैं, अपना RFID कार्ड बनवाते हैं, क्योंकि जब हम वैष्णो देवी आते हैं तो हमें एक अपना ID कार्ड चाहिए होता है, तो आप ऑनलाइन यात्रा पर्ची निकलवाते हो, फिर उसके बाद RFID कार्ड आपको बनवाना होता है। तो RFID कार्ड बनेगा कटरा रेलवे स्टेशन पे, जो सिर्फ अभी मैंने आपको बताया 2 मिनट की वॉकिंग पे, तो हम फ्रेशन अप होके वहाँ जाते हैं, अपना कार्ड बनवा के लाते हैं, उसके बिगर मतलब आप चढ़ाई कर नहीं सकते, बस लाइक ID कार्ड फॉर ट्रैकिंग। तो जय माता दी, हम बनवा के जाते हैं। यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराना है, बट भीड़ बहुत ज़्यादा, लाइन कहाँ तक है। तो हमने RFID कार्ड बनवा लिया है, इसका मतलब होता है एक एंट्री टिकट टू वैष्णो देवी की चढ़ाई, ठीक है। तो हमने ये बनवा लिया है, कुछ ऐसा दिखता है। तो वैसे ऑनलाइन मैं आपको एक टिप बताती हूँ, ऑनलाइन बोलता है कि ऑनलाइन यात्रा पर्ची ले लो उसके बाद बनता है, बट मैंने अपना 2 घंटे बर्बाद किए लेने के लिए, यहाँ कोई पूछ भी नहीं रहा उसमें, तो आप डायरेक्टली आके ले सकते हो, और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो आप ट्राई करो कि आप अगर रेलवे स्टेशन से आ रहे हो ना, तो रेलवे स्टेशन से ही ले लो, बस स्टैंड पर और ज़्यादा भीड़, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। और ये हमें पूरा कैरी करना पड़ता है और वापस लेके जाना पड़ता है। तो हमारी यात्रा ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। जय माता दी। जय माता दी। पहले जोर जोर से बोलो।
हमारी स्टार्ट हो चुकी है जर्नी, हम बिल्कुल एंट्री पे खड़े हैं, स्टार्ट हो चुकी है, तो जय माता दी बोलते जाओ, चलते जाओ। अभी हमारे साथ इतना बड़ा स्कैम हो गया है, हम अर्थक्वारी पहुंच चुके हैं। हमने कुछ भी वीडियो नहीं बनाया इससे पहले क्योंकि बहुत भीड़ थी। हमने वैन बुक करी थी ऑनलाइन, हमें नहीं मिली क्योंकि स्टाफ का बुक था तो हमारी हटा दी और उनको ले गई, तो अब हम पैदल चल रहे। जय माता दी। यहाँ पर इतना घपला होता है ना, बहुत हमें साल भर में पहली बार बुलाया है और ये लड़का 2 महीने में दूसरी बार आ रहा है। 1 महीने में गया था, दूसरा भी निकाल लिया। अप्रैल में आया था, जून में आया। लाइक कैसी नाइंसाफी है, नाइंसाफी नहीं है। ये क्यों नहीं आए थे, माता बुलाए तो आए ना। आने का पर्पस था, इसका बर्थडे भी 12 बजे तो हम भवन पर बर्थडे मनाने वाले हैं, बट इसकी हालत इतनी खस्ता हो रही है, सब हम मन नहीं करता। क्यों मैं खींच खींच के जा रहा ना किसी को, जबरदस्ती बहुत। देखो बैग है, यहाँ है ना, बड़ा हस्बैंड तो है।